महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के बयान जारी होने के बाद राजनीति गलियारों में भूचाल मच गया है। बता दें कि नाना पटोले ने बॉलीवुड पे निशाना साधते हुए अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को लेकर एक प्रतिक्रिया जारी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर अमिताभ बच्चन या अक्षय कुमार की किसी भी फिल्म की शूटिंग महाराष्ट्र राज्य के किसी भी कोने में नहीं होने देंगे, साथ ही किसी सिनेमा घरों में रिलीज होने नहीं देंगे। अब इसको लेकर राजनीति गलियारों से लेके ट्विटर से लेके सभी सोशल मीडिया पे हंगामा मच चुका है। बता दें मैं इस वक्त हूँ जुहू में और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये है अमिताभ बच्चन का बंगला जिसका नाम है जलसा। आपको बता दें यहाँ पर करीब 3:30 बजे के करीब यहाँ पे जोरों शोर से प्रदर्शन हुई थी। जिसने प्रदर्शन किया था वह रामदास अठावले की पार्टी RPI के कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए थे। उन्होंने साफ तौर पर प्रदर्शन देते हुए एक संदेश दिया है कि आपकी फिल्म की जो शूटिंग है उसे हम रुकने नहीं देंगे। अगर आप महाराष्ट्र के राज्य के किसी भी कोने में फिल्म की शूटिंग करना चाहेंगे हम आपके साथ खड़े हैं। साथ ही इस बात को कहने का सीधा शब्द ये है कि सीधे तौर पे अमिताभ बच्चन को समर्थन दिया जा रहा है RPI पार्टी की तरफ से। आपको बता दें नाना पटोले ने ट्विटर पे एक ट्वीट किया था जिसको काफ़ी लेके बवाल मचा हुआ था। उसमें सीधे तौर पे ये कहा था कि ये जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटी हैं वो 2014 के पहले पेट्रोल से लेके किसी दूसरे विषयों पर भी ट्वीट करते थे, लेकिन 2014 यानी मोदी सरकार आने के बाद वे सरकार के फेवर में ट्वीट कर रहे हैं। सीधे तौर पे यह एक बड़ा आरोप जो नाना पटोले के द्वारा लगाया गया था बॉलीवुड इंडस्ट्री पे। डायनामाइट न्यूज़ के लिए प्रीतम सिंह की रिपोर्ट, मुंबई।